हे एवरीवन, दिस इज उषा। उषा व्लॉग योगा में आपका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? दोस्तों आज मैं आई हूँ बच्चों की क्लास में। बच्चों की क्लास जैसा कि आपको पता ही है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं स्कूलों की और बच्चों को चाहिए समर कैंप का सहारा, जिससे वो अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर सके। तो आज हम बच्चों को समर कैंप में लेके आए हैं, जिससे कि वो एक्टिविटी कर सके। और हम उस एक्टिविटी में ऐड करेंगे बच्चों के लिए योगा एक्सरसाइज, और इनको कराएंगे। और आप भी देखिए, अगर आपके बच्चे दिल्ली के आसपास हैं तो इस समर कैंप में भेज सकते हैं, और सुबह 8 से 9। तो चलिए चलते हैं बच्चों से बात करने और बच्चों के साथ योगा करने। उनको हम अच्छे से सिखाएंगे। आप भी देखिए, अपने बच्चों को हो सके ज़रूर योगा कराइए, क्योंकि आपके बच्चे स्टडी करते हैं और स्टडी में बच्चों के लिए योगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चों को योगा कराते हैं तो आपके बच्चे अपनी स्टडी को और अच्छे से कर पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चों को योग कराते हैं तो आपके बच्चों का जो स्टडी लेवल है हाई हो जाएगा, उसके मार्क्स स्कोर कार्ड उसके बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अपने बच्चों को ज़रूर योग कराएं। तो चलिए चलते हैं बच्चों के साथ योग करने। चलिए ऐसे एंकल उठा लेंगे, बेटा खींचो, हाइट एकदम से बढ़ के आएगी। होल्ड करेंगे, काउंट करूंगी 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दोनों हाथ ऐसे वापस भी ऐसे आएंगे जैसे गए थे, खींच के नीचे करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हाथों में थोड़ा पेन हो रहा होगा, है ना? बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाएगी इससे। रिलैक्स करेंगे, कोणासन करेंगे। देख लीजिए पोजीशन, पहले दोनों पैर मिला लेंगे अच्छे से, पहले राइट फिर लेफ्ट, दोनों पैर अपोजिट खोलने हैं, इक्वल खोलने हैं। आप दोनों हाथ राइट लेफ्ट शोल्डर के अकॉर्डिंग उठे हुए, खींचो बाहर की तरफ, खींचो अच्छे से, हथेलिया नीचे। अब धीरे धीरे ये वाला हाथ देखते हुए टर्न करेंगे, आगे नहीं झुकना, खींचो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, पैर को पुश करेंगे, वहीं रहेंगे, मैं काउंट करूंगी वहीं रहेंगे, ऊपर पैर को पुश करेंगे, इससे आपके पैर भी सीधे हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आगे नहीं झुकना, खड़े हो पहले, धीरे धीरे करो, रन करेंगे बस ऐसे, ऊपर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे धीरे धीरे सेंटर में, दोनों हाथ फिर से खींचेंगे बाहर, खींचो आप करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे धीरे धीरे, जितना झुका जा रहा है उतना, पैर को कुछ करेंगे नीचे वाले हाथ से, ऊपर खींचे आप आगे गिर रहे हो एकदम सीधा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन पोज, आएंगे सेंटर में, बाहर की ओर दोनों हाथ खींचेंगे और रिलैक्स करेंगे, वेरी गुड, रिलैक्स कर लें। आगे करो दोनों हाथ, दोनों पैर शोल्डर के अकॉर्डिंग खोल लो और धीरे धीरे बैठेंगे,
जितना बैठा जाए उतना बैठना। 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर। अब एक बार और करेंगे, बहुत धीरे से डाउन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, सामने देखेंगे, हिलेंगे नहीं। हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन कर लें, दोनों हाथ आगे इस तरह से, हथेलियां आमने सामने, दोनों हाथों का गैप आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग सीधे करेंगे और ऐसे ही पीछे टर्न करेंगे। होल्ड करें, सेंटर में लाएंगे, लेफ्ट टाइटली करो, अपर पोर्शन डाउन, अपर पोर्शन को हिलाना है, लोअर पोर्शन को कुछ नहीं करना। सेंटर में राइट, ये पोती है, सेंटर में लेफ्ट, अब राइट लेफ्ट राइट, अपर पोर्शन ही हिलाना है, लेफ्ट जैसे कंधे सीधे कराओ, कंधे का हाथ कंधे की सीध में रखेगी, राइट कंधे की सीध में रखेगा, दोनों हाथ शोल्डर के अकॉर्डिंग सीधे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, सेंटर में और हाथ नीचे, हाथ कंधे की सीध में रखो, हाथ नीचे बेटा, हाथ नीचे, और अब बैठ जाएंगे। बहुत ज्यादा पेन हो गया, आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो मतलब आपने बहुत अच्छे से किया है, आपकी हाइट बढ़ेगी, माइंड रिलैक्स करेगा और सारे बॉडी के पार्ट्स अच्छे से मूवमेंट करेंगे। दोनों पैर आगे फैला लें, पैर फैला लें, दोनों हाथ बॉडी के राइट लेफ्ट, बैक एकदम सीधी, बैक के साथ में हाथ, हाथ आगे लेके आओ, आगे लाओ, आगे बॉडी के साथ यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हाथ रखो, सीधे करो ये, वेरी गुड। देख लो पोजीशन, दोनों पैर ऐसे फैले हुए, दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं ताकि आपकी ये बॉडी से हाथ टच हो और बैक सीधी हो। देख लो बैक सीधी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे रखना। दोनों पैर मिलाएंगे, पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, अभी हमने हाथों की थी। दोनों पैरों की फिंगर्स मेरी ओर पुश करेंगे, दोनों पैरों की फिंगर मेरी ओर पुश करेंगे, आगे की ओर खींचें, आगे खींचो। अब अपनी ओर फिंगर्स, फिंगर्स अपनी ओर अच्छे से, पीछे वेंस में पेन होगा आपको, खींचो अच्छे से, बहुत अच्छे से खींचो। आप मेरी ओर बाहर की ओर खींचेंगे, फिंगर्स अच्छे से खींचो कि पेन आए नीचे, पैरों के नीचे, वेरी गुड। अपनी ओर अच्छे से करेंगे, अपनी ओर करो अच्छे से, मिला के मिलाओ, मिलाओ, हाँ वेरी गुड। सेंटर में लाएंगे, दोनों पैरों की फिंगर राइट साइड ले जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही टर्न करेंगे, बहुत धीरे से करना, टाइटली करना, पैरों को टाइट करके रखना, बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बैक सीधी, डाउन कोई नहीं करेगा, आदत पड़ जाएगी, बैक बाहर आ जाएगी, सीधी करो बेटा, सीधी बैठो, आगे आओ, और आओ, यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, हाथ यहाँ पे रखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
आप क्लॉकवाइज दोनों पैरों को घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट बड़ा सा सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। अच्छे से करेंगे, अपने नी नहीं उठाएंगे, मैट पर ही होल्ड करके रखेंगे, सिर्फ आगे से फिंगर्स की होगी एक्सरसाइज। करते जाएं, बैक डाउन कोई नहीं करेगा, स्ट्रेट रखेंगे, बैक आगे करो, बैक आगे करो बेटा, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट आगे आ जाओ, हाथ आगे रखो, वेरी ऐसे बैठना। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट से राइट करते जाएं, करते जाएं, स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठने का ट्राई करो, हमेशा स्ट्रेट बैठोगे, बैक नहीं होगी, डाउन स्ट्रेट बैठो, आगे आओ, हाथ 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 आगे, वेरी गुड, स्ट्रेट, हाँ बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, हम हैं, हम हैं। दोनों पैर सेंटर में, पैर सीधे करके सेंटर में कर लें। अब बनेंगे तितली, बटरफ्लाई, उड़ेंगे, दोनों पैर एक साथ मोड़ लीजिए, तितली को उड़ाएंगे बहुत अच्छे से, जिसकी अच्छे से उड़ेगी उसके लिए चेयर अप। अपने और दोनों पैर अच्छे से और पैरों की फिंगर हाथों की फिंगर से पकड़ लेंगे, बैक सीधी रखेंगे, बहुत अच्छी उड़ रही है भाई तितली तो, सारी बटरफ्लाई इतने अच्छे से जो उड़ रही है, पैर बातें कोई नहीं, पीछे से बैक सीधी रखो, बैक सीधी, आप सीधे बैठे सामने करके मुंह, अच्छे से करेंगे, उड़ाओ तितली को जितनी उड़ सके, आज ही मौका है, नहीं तो तितली उड़ती है, हम तो उड़ते नहीं है, है ना, हम कभी उड़ते हैं, आज हमें मौका मिल गया उड़ने का, उड़ाते रहो अच्छे से और अच्छे से उड़ाओ, वेरी गुड, उड़ाते रहेंगे, आपके पैर थाइस खुल जाएंगी, शेप में आ जाएगी और बहुत अच्छे से ज्यादा एक्टिविटी होगी आपकी और आप थकेंगे भी नहीं। करते जाएं, तितली नहीं उड़ रही है, तितली नहीं उड़ रही किसी की भी, आपसे ज्यादा तो फैन ही उड़ रहा है, उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ। आप ध्यान से सुनेंगे, दोनों पैर आगे लाएंगे, जैसे हैं वैसे ही लाएंगे, जैसे हैं पकड़ के हाथ से वैसे ही लाएंगे कि आपके नी डाउन हो जाए, थोड़ा सा आगे लाओ, पकड़े रखो, पैरों को ऐसे ही फोल्ड करके पकड़े रखेंगे, ऐसे ही पकड़े रखेंगे और आपके जैसे ये डाउन हो जाए, पकड़ के रखो, पकड़ो अच्छे से और धीरे ये पोर्शन ऊपर टाइट करो, नेक ऊपर करेंगे और धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे ऐसे, होल्ड करेंगे, डाउन होंगे अच्छे से, डाउन रहेंगे, डाउन रहेंगे, मेरी तरफ नहीं देखेगा कोई भी, आपकी थाइस पर बहुत पेन आ रहा होगा, इसका मतलब आपको इफेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। काउंट करूंगी 5, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से ऊपर आएंगे, जैसे कहते वहीं रहेंगे, अभी लास्ट टाइम, अभी आपने अच्छे से नहीं किया, वहीं रहेंगे, फिर से काउंट होगा, धीरे धीरे नेक को ऊपर करते हुए डाउन होंगे, डाउन होंगे धीरे धीरे, वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 5,
बहुत धीरे, जैसे गए थे वैसे वापस, और पैर सीधे करके बैठ जाएंगे, पैर सीधे करके बैठ जाएंगे। आज तो सोच रहे क्या आ गया, कौन आ गया पेन देने, हैं? पैर हिला लो, सीधे कर लो, आपके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। छोटा मोटा फ्रैक्चर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, गिरते रहो पड़ते रहो कुछ भी नहीं होगा। पैर सीधे करके, बैक सीधी करके बैठेंगे। पद्मासन लगाएंगे, पहले राइट लेग मोड़ेंगे, लेफ्ट थाई पर रखेंगे, लेफ्ट मोड़ेंगे, राइट थाई पर रखेंगे। जिससे नहीं होता वो एक पैर से करेंगे, जिससे नहीं होता वो एक लेग से, राइट लेग से मोड़ेंगे और लेफ्ट थाई पर रख देंगे। करिए बेटा पद्मासन, ट्राई करेंगे, बात नहीं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, बैक सीधी, आंखें क्लोज। मैं 30 काउंट करूंगी, आप पद्मासन में होल्ड करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, बैक सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने मन में एक अपनी फेवरेट चीज आज मांगते जाए, जो मिल जाए। 30 काउंट करेंगे, होल्ड करेंगे पद्मासन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। आओ मत, निकालो, बाहर निकालो, अच्छे से निकाल दो, दिखती दिखती है। चिढ़ाते हो ना सब एक दूसरे को, वाह, अरे वाह, बाहर निकालो। वेरी गुड, मेरे शेर कितने प्यारे, सुंदर, और शेर से भी सुंदर। चलिए वापस आ जाएंगे और नॉर्मल आसन में जैसे पैर फोल्ड कर सकते हैं वैसे बैठ जाएंगे। जिसको पद्मासन लगाना है वो पद्मासन लगा सकता है। बहुत अच्छा, आपका जितनी भी गले से, जितना भी गले में थायराइड या कोई भी बीमारी होती है, आपकी आवाज पहले तो सुंदर हो जाएगी, सुरीली कोयल जैसी आवाज होगी। इससे कोयल से भी अच्छी आवाज आपकी हो जाएगी इस पोज से। अच्छे से अभी नॉर्मल बैठ जाएंगे, सुखासन मतलब नॉर्मल आसन, कैसे भी पैर फोल्ड करके बैठे। जिसको पद्मासन लगाना है वो लगा ले, पर बैक सीधी रखेंगे। हम सबको आइस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम बहुत सारा मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, है ना? पढ़ाई थोड़ी सी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी करते हैं, पर करते तो ज़रूर हैं। पर हमें तो अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना, इतनी सारी कि हम बहुत अच्छे से कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। उसके लिए हमें अपनी आँखें ठीक रखनी है नहीं? जिन बच्चों को आँखों में चश्मा नहीं लगे है वो डेली करेंगे तो वो कभी भी नहीं लगी, मेरी गारंटी है। मेरे को अभी तक चश्मा नहीं लगा क्योंकि मैं पिछले 10 साल से योग कर रही हूँ, आंखों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी तक चश्मा नहीं लगा, और तुम्हारी तरह पढ़ाई भी। ठीक है, चश्मा नहीं लगाएंगे और आंखें पता है इससे क्या हो जाती है, सुंदर। जैसी आंखें हम नॉर्मल देखते हैं, है ना, जितना हमें देखना है उतनी आंखें खोलते हैं, ऐसे तो नहीं हम ऐसे राउंड करते हैं या फिर राइट लेफ्ट देखते हैं, नहीं ना। तो क्या होगा, हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी आंखें भी सुंदर हो जाती है, हमारे आंखों का चश्मे का नंबर कम हो जाता है, और चश्मा नहीं लगा वो कभी भी नहीं लगेगा। जैसे हम योगा करते हैं बॉडी शेप में आ जाती है, ऐसे ही आंखें भी शेप में आ जाती है और हम और सुंदर। किसकी आंखें सुंदर होती है, आंखें किसकी सुंदर होती है, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी आंखें सुंदर होती है, हाँ?
हमारी, ठीक है, हम और सुंदर बनाएंगे। चलिए बैक सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आप वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं। ये है वायु मुद्रा, ये मोड़ेंगे और ऐसे, जिन बच्चों को नोज बहती है, कान बहते हैं, किसी भी तरह का पानी बॉडी से निकलता इननेसेसरी, आंसू आना ठीक है कोई बात नहीं, पर इननेसेसरी भी, लोगों को चश्मा लगा होता है, आंखें बहती है, कान बहते हैं, नोज बहती है, तो ये मुद्रा लगा के रखनी। ये है वायु मतलब सॉरी जल मुद्रा, जल मतलब पानी का रिसाव, पानी जो बहरा इननेसेसरी उसको रोक देगा, ठीक है। लगाइए मुद्रा, बैक सीधी, आइस को सुंदर बनाएंगे, आइस का चश्मा हटा देंगे, आइस क्लोज कर ले, चश्मा बंद नीचे कर ले, आप इतने छोटे बच्चे हो, चश्मा लग गया है उसको हटाने का ट्राई करें। आइस क्लोज, बैक सीधी, आइस सब क्लोज कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे आइस क्लोज करके। आइस कोई नहीं खोलेगा, अब मैं जब बोलूंगी बेटा, दोनों की चेयर बदल दूंगी मैं, जब मैं बोलूंगी अब आइस तभी खुलेगी। दोनों आइस बहुत स्लोली ओपन करेंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे जहां पंडित जी हमें टीका लगाते हैं। दोनों आंखों से यहां देखेंगे, आपको आपकी आईब्रोज नजर आएंगी, ब्लिंक मत करना, नेक नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आईज की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे देखना, देखो ऐसे, हाँ आईब्रोज आपको दिखेंगे, नेक सीधी रखो, सेंटर में देखते जाएंगे ऊपर, वेरी गुड, बैक सीधी, दोनों हाथ जल मुद्रा में, जल मुद्रा ये बताई ना अभी, नीचे टिप्स ऑफ द नोज, नोज के आगे देखेंगे, हाथ नहीं लगाना बेटा, नीचे देखो, देखना है नोज के आगे, दोनों आंखों से नोज के आगे, आगे देखते जाएं, आंखें खोलो, टाई की देखना, खोल के देखने हैं, बहुत जल्दी कर, नीचे की तरफ देखो, ऊपर नीचे करो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आईज क्लोज, बैक सीधी करो, यहाँ पे फिर से आइस खोलेंगे और राइट साइड देखेंगे, अच्छे से दोनों आंखों को राइट साइड ले जाएंगे और देखेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी, गर्दन सामने रहेगी, आपकी नेक मूवमेंट नहीं करेगी, आपकी नेक मूवमेंट नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड, गर्दन सामने रहेगी, राइट राइट, गर्दन बिल्कुल सीधी, राइट लेफ्ट, बेटा टाइट करोगे बहुत अच्छी सुंदर आंखें हो जाएंगी और दूसरा चश्मा तो हटा ही दोगे, लेफ्ट, ये चश्मे के लिए चश्मा उतर जाएगा आपकी आंखें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट सेंटर क्लोज, मिटे क्या कर रहे, दोनों आंखें खोलेंगे, गर्दन सीधी रखो, अब अपर साइड हाफ मून बनाएंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, अपर साइड देखिए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे आके, ऐसे आधा घुमाना, घुमाते जाएं, सुंदर आंखें बनाते जाएं, अधिक से अधिक आंखें पूरी खोलें,
आगे का दृश्य घूमता हुआ, आगे का दृश्य घूमे, क्लॉकवाइज घुमाए, वेरी गुड। पुतलियों की मसाज होती हुई, हमारी जो पुतलियां हैं कमजोर पड़ जाती है, उसकी मसाज होती है। आंख चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा और कम हो जाएगा। करिए, घुमाइए दाएं से बाएं, खोलो पूरी आंखें, खोलो पूरी आंख, खोलो पाड़ो, हाँ घुमाओ इसे गोलाकार घुमाओ, धीरे धीरे गति बढ़ाएं, गति बढ़ाएं। आंखें कोमलता से बंद, आंखें बंद कर लें, आंखें खोलें, ये क्रिया विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, आंखें पूरी खोलें, बाहर का दृश्य घूमता हुआ, बाहर का दृश्य घूमता हुआ, धीरे धीरे गति बनाएं, गति से करें, घुमाएं, घुमाएं, पलकें नहीं झपकनी है, पल आंखों को करतल विश्राम, पलके झपके अंदर ही अंदर, पलके झपके देखने रोशनी ना आए, पलके झपने कमर सीधी रखें, पलके झपके अंदर ब्लिंकिंग, पलके झपके बेटे सीधा सीधा सीधा, पलके झपके अंदर ही अंदर, आंखों को करतल विश्राम, आंखें बंद कर लें, अंदर ही आंखें बंद कर लें, कमर सीधी रखें, उंगलियों के पोरे खोलें, उंगलियां थोड़ी खोल लें, प्रकाश अंदर आने दें, पलकों को सहलाते हुए हाथ नीचे ले आएं, शांत बैठें, आंखें बंद कर लेंगे और शांत बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मेडिटेशन करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो हम स्टडी के लिए और अच्छे से कर पाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि रात में कोई शोर नहीं होता या अर्ली मॉर्निंग कोई शोर नहीं होता, अगर हम तब पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है ना। और अगर हम अब दिन में पढ़ेंगे तो इतने सारे शोर आएंगे, माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और हम अच्छे से दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर पाते। तो इसके लिए हम मेडिटेशन बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी मेडिटेशन है। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर ले या फिर अंजलि मुद्रा में कर ले, बैक सीधी करके रखे, रिलैक्सफुली बैठेंगे, आईज क्लोज कर लेंगे, चश्मा हटा लेंगे। मेरे साथ गायत्री मंत्र बच्चों के लिए बहुत अच्छा, जो बच्चे डेली गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको भूलने की बीमारी, जो स्टडी में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, वो इससे कम हो जाती है। मेरे साथ मिलकर एक आवाज में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः, आवाज नहीं आ रही, मिलकर बोलेंगे, देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः
धियो यो ना प्रचोदयाय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ना प्रचोदयाय ॐ भूर्भुवः भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। आईज कोई ओपन नहीं करे, आईज आंखें कोई नहीं खुलेगा, चांद तो के बैठे आंखें बंद। आप मेरे साथ मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लगाएं, लिप्स बंद करते हुए माँ बोलेंगे ओम।